आज एक ऐसा वाक्य आपको सुनाने जा रहे हैं जिसे सुन के बाद आप बेसाख्ता कह उठेंगे कि तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। आपको अल्लाह के नबी की हयात का इल्म हो जाएगा। सैयदना उमर इब्ने खताब का दौर है और जब मुसलमानों ने तुस्तर पर हमला किया जिसमें सैयदना अबू मूसा अशअरी जिसमें लश्कर के अमीर थे और सैयदना अंस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस रवायत को नकल करते हैं कि जब तुस्तर में गए सहाबा इकराम तो वहां बादशाह के महल में गए जहां का बादशाह हरमजान था और उसके बैतुल माल में एक चारपाई देखी जिस पर एक मैयत पड़ी हुई है। सहाबा इकराम हैरान हो गए कि ये किसका जिस्म अतहर है, तो पूछा गया, बताया गया कि ये अल्लाह के नबी सैयदना दानियाल अलैहि सलातो सलाम का जिस्म अतहर है। सहाबा फरमाते हैं वैसे का वैसा, जहां कोई तगैर नहीं, कोई तबद्दल नहीं, हालांकि आपको हजार साल हो गए थे, ये बुख्ते नसर के जमाने में आप थे और बुख्ते नसर वो जो सैयदना शुबैब अलैहि सलातो सलाम के दौर का था, जो ये बुख्ते नसर आका करीम अलैहि सलातो सलाम के दौर से 150 साल पहले हुआ, इसके ये बुख्ते नसर नहीं, वो बुख्ते नसर जो इब्राहिम अलैहि सलातो सलाम के दौर से भी पहले था। उस बुख्ते नसर के दौर में सैयदना शुआब अलैहि सैयदना दानियाल अलैहि सलातो सलाम अल्लाह के नबी थे, ये सैयदना शुआब अलैहि सलातो सलाम के दौर के बात है। तो आपका जिस्म अतहर हजार साल बाद कहां से मिला? तुस्तर में, हरमजान के बादशाह के महल में, बैतुल माल में पड़ा हुआ मिला। और इस वाक्य को तरीके तबरी में नकल किया गया। इस वाक्य को दलाइल और नबुव्वा में इमाम बाकी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया। इस वाक्य को सीरत इब्ने हिसाब में नकल किया गया। इस वाक्य को मजमूअल फतावा में इब्ने तैमिया ने नकल किया और इमाम अबू आलिया इसके रावी हैं, सैयदना अंस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके रावी हैं कि पूछा गया ये किन का जिस्म अतहर है, तो हरमजान के लोगों ने कहा कि ये सैयदना दानियाल अलैहि सलातो सलाम का जिस्म अतहर है। पूछा गया कि इनको क्यों रखा हुआ है, दफन क्यों नहीं किया, तो कहने लगे कि जब हम पर कैद साली होती है, बारिश नहीं होती, तो हम इनकी चारपाई उठाकर आसमान के नीचे रख देते हैं, खुले आसमान के नीचे ले जाते हैं। तो फरमाया उसी वक्त रहमत की बारिश शुरू हो जाती है। अब बताएं कि हजार साल गुजर गए, अल्लाह के नबी वैसे के वैसे हैं, और सहाबा पूछा कि क्या उनके जिस्म में कोई तगैर आया था, फरमाया नहीं, चूटे थोड़े से पीछे से बाल किरे हुए थे, आपके बाल मुबारक किरे हुए थे। तो ये रवायत भी बहुत बड़ी है। जलीलुल कदर सहाबा मौजूद है, फिर सैयदना अबू मूसा अशअरी ने सैयदना उमर इब्ने खताब को लिख डाला कि ऐसे हमें एक जिस्मी अतहर मिला है। तो सैयदना उमर इब्ने खताब कहने लगे कि ये अल्लाह के पाक नबी दानियाल अलैहि सलातो सलाम का जिस्मी अतहर है, इसे रात की तारीखी में इस तरह दफन करो कि किसी को पता ना चले, ताकि दोबारा इनके जिस्मी अतहर को ना निकाल सके कोई। अब इस वाक्य ने ये रोज़े रोशन की तरह वाज़े कर दिया कि अल्लाह के नबी जिंदा होते हैं। ये मौत सिर्फ एक जहान चेंज करने का नाम है, और फिर जब वो इस जहान से निकल कर जाते हैं वो तो जहान इससे भी आला है, और आला अपना हमेशा आला के ताबे होता है। जो उस जहान में जिंदा है वो इस जहान में तो बर्दा आला जिंदा रहेगा। तो ये वाकया ऐसा है कि अल्लाह के पाक नबी दानियाल अलैहि सलातु वसलाम हजार साल के बाद हरमजान के महल से मिले और उनके जिस्म अतहर से कौम में बारिश मांगती है, रब बारिश बरसाता है। तो मुसलमानों, अगर दानियाल अलैहि सलातो सलाम के जिस्म अतहर का ये हाल है, तो हमारे आकाए दो जहां सरवरे कौन मका के जिस्म अतहर की बरकतें क्या होंगी, जहां आप तशरीफ फरमा है उस जगह की बरकतें क्या होंगी। इसलिए ये आले सुन्नत का भी अकीदा है, सहाबा का भी अकीदा, किसी ने नहीं इनकार किया, नहीं नहीं ये कैसे हो सकता है, अल्लाह के नबी दानियाल अलैहि सलाम को हजार साल गुजर गए हों और वो फिर भी जिंदा हो, नहीं, सब ने इसका इकरार किया है, उमर इब्ने खताब ने माना है, और यही आला हजरत का अकीदा है कि तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तो जो हुजूर को जिंदा नहीं मानते, वो देखे गौर करें कि अल्लाह के नबियों को रब्बे कायनात ने ऐसी जिंदगी दी हुई है, उनके जिस्मे अतहर की हिफाजत भी होती है और उनकी बरकत से रब्बे कायनात बारिशों का नजूर भी फरमाता है। इसलिए अपना अकीदा दुरुस्त करें। बख्शिश का दारो मदार अकीदे पर है, अमाल पर दर्जात की बुलंदी है। अगर आपका नबी के बारे में अकीदा सही नहीं, तो कब्र में किसको देखेंगे, किसको पहचानेंगे और किसको जवाब देंगे, ये सोचे जरा। जब कभी कब्र में हुजूर आ गए तो फिर जवाब क्या कहेंगे कि हम तो सारी जिंदगी ये अकीदा रखते रहे कि माजल्ला हुजूर मर के मिट्टी हो गए हैं, हुजूर कहीं नहीं जा सकते, कहीं नहीं आ सकते, तो फिर कब्र में कौन आ गया।
इसलिए आज अकीदा सही कर ले, आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, फिर न मांगेंगे कयामत में अगर मान गया तो। ये अकीदा सही करे अपना, अहले सुन्नत और सहाबा का ये अकीदा है कि अल्लाह के नबी जिंदा है, उनकी बरकत से रब्बे कायनात उम्मतों को नवाज।